हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा गाइस, वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत से रेसिपीज शेयर कर रहे हैं ताकि आप सभी घर बैठे एंजॉय कर सकें। सो आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे पंजाब की शान और सब दालों की शान, दाल तड़का, जो कि बहुत ईजी वे में आप शायद खाते भी होंगे घर में। उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ईजी वे में ढाबा स्टाइल में आपको मैं बना के दिखाऊंगा। सो लेट्स गो फॉर कुकिंग। सो फ्रेंड्स, येलो दाल तड़का के लिए हमने जो दाल ली थी 1 कटोरी, उसको हमने भिगोया था पानी में 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको पानी लिया, पानी में हमने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून टर्मरिक। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर दिया। ये हमारा जो चने की दाल है, ये देखिए कुक हो चुकी है। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा तड़का इसका कैसे लगाना है। सो गाइस, पैन में हमने डाल लिया है घी। मैं घी ले रहा हूँ, आप फॉर्चून ऑयल या कोई सरसों का ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हींग एक चुटकी। अब हम इसमें डाल देंगे क्यूमिन सीड्स, जो हमारा जीरा है, 1 टीस्पून। और इसमें हम डाल देंगे अनियन, जो हमने चॉप किया, 1 अनियन। इसको हमने अभी सौते करना है अच्छे से। तो गाइस, इसमें हम डाल देंगे साथ में गार्लिक 1 टीस्पून, और इसमें डालेंगे हम जिंजर 1 टीस्पून। साथ में हम इसमें डाल देंगे चिल्ली। अब स्पाइसी टेस्ट अनुसार और भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से सौते कर देंगे सभी को 2 से 3 मिनट तक। सो फ्रेंड्स, हमारा जो ओनियन है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। मसाले में पहले हम डाल रहे हैं टर्मरिक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। कुक करेंगे मसाले को। अब हम डाल देंगे टमाटर, जो हमने चॉप किया हुआ है। साथ में हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो गाइस, इसमें हम डाल देंगे वाटर। अभी हम इसे कुक होने देंगे अच्छे से। सो गाइस, हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है, देखिए। अभी हम इसमें जो हमने बॉईल की थी दालों पूरी डाल देंगे। सो गाइस, अब हम इसे कुक करेंगे 8 to 10 मिनट तक। तो गाइस, जब तक हमारी ये दाल कुक होती है 10 मिनट और, तब तक हम इसके लिए लास्ट तड़का लगा लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। आपको ढाबे में आप जाओगे, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको मिलेगा दाल तड़का के लिए जो स्पेशल तड़का होता है। तो गाइस, उसके लिए हम लेंगे घी। इसमें हम डाल देंगे क्यूमिन सीड्स, साथ में चिली। जैसे कुक हो गया, हम डाल देंगे इसमें रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर। सो गाइस, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और साथ में हम डाल देंगे इसमें कोरिएंडर। ये देखिए, अब हम इसे कुक होने देंगे और 5 मिनट तक, ताकि जो इसकी थिकनेस जो है, कंसिस्टेंसी जो अच्छी हो जाए। सो गाइस, हमारा जो दाल तड़का है रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और चपाती के साथ भी खा सकते हैं।
ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल हमने आपको बना के दिखाई है। और इसमें साथ में हम ऊपर से डाल देंगे जो हमने तड़का बनाया था। और इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे कोरिएंडर। सो गाइस, हमारा जो ढाबा स्टाइल दाल तड़का वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और गाइस, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और रेसिपी लाता रहूँ और आप इंजॉय करते रहें अपनी फैमिली के साथ। सो गाइस, लेट्स गो फॉर चना दाल चना दाल। नो, दाल तड़का। दाल तड़का, आर यू श्योर? यस।